तर गया ना तप्पर भी लेने के लिए है मेरे पास, एक ही भगवत गीता बचा हुआ था इलाहाबाद में उतरा, यहाँ से इलाहाबाद जाते हुए ही मैंने 32 भगवत गीता, 32 की 34 भगवत गीता, 45 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरे पास एक ही भगवत गीता था, मैं सोचा था कि जाके घर पर दूंगा, और वो भी जैसे उतरा ना वो मुहम्मद ने उतरा, बोला कि मुझे दे दीजिए भगवत गीता, बोला एक ही बचा हुआ, बोला दे दीजिए, मैंने बोला चलो कोई गलत नहीं, हमें तो मिल जाएगा, उसने दी तो 25। वो भगवान की कृपा है, हम तो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ भी नहीं, मैंने पहले ही बोला कि भगवान से पूरी एनर्जी कहाँ से आती, भगवान से आती, हम तो कुछ भी नहीं है, हम हमसे कुछ भी नहीं होगा। इस तरह मैं जगन्नाथ रथ यात्रा में जा रहा था तो मैंने 2 पेटी रख लिया, प्रभु जी लोग भी गुस्सा हो रहे थे मेरे साथ, क्या करते हो आनंद इतना भगवत गीता कैसे नहीं, मैं जगन्नाथ जी से प्रे कर रहा था, जगन्नाथ जी बचा ले नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल टाइम हो गया, प्रभु जी खुद बोल रहे विज्ञान बिहारी प्रभु बोल रहे इतना भगवत गीता लेके चला जाता है कितना मुश्किल होगा अगर नहीं कुछ निकलेगा, मैं बोला हे भगवान बचा लेना बचा लेना, मेरा जाते जाते सारा भगवत गीता कुछ ही बच गया, मैं बोला हे भगवान बचा लिया अपने ना, तो जगन्नाथ जी कुछ दिन मर्सी हुआ, और मर्सी से पूरा क्या होगा मेरा भगवत गीता 64 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं ये तो मैं मानता हूँ कि अपने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, सारा कुछ भगवान करते हैं, तो इसलिए हम उन पर डिपेंडेंट होके उनका नाम लेके प्रभुपाद जी का नाम लेके बस निकलेंगे। तो हम लोग एक प्लानिंग करेंगे आपस में ही कि किस दिन निकलेंगे, कौन कौन प्लेस को कवर करेंगे, कैसे कैसे लोगों को कवर करेंगे, किस किस को आगे रखेंगे, जब आगे रखेंगे ना जैसे बाग बांट रहे हैं ना, वो कुछ अपना रिएक्शन तो देंगे, लेकिन हमारे पास अगर उनके रिएक्शन को काट हो तो हम दे सकते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन को अगर हम काट नहीं सकते तो हम दे भी नहीं सकते। वो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का मैंने जो रियलाइज़ किया है दो ही है, आप बोलते कैसे हैं, आपके अंदर एनर्जी कैसा शो हो रहा है, बस वो भगवद गीता नहीं लेते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आप भूल कैसे रहे, आप मुस्कुरा कैसे रहे, कितना एनर्जेटिक है, बस वो ये तो उनको इससे उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बोल कैसे रहे हैं, आप बता कैसे रहे हैं, इस चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, बस वो आपके रिप्रेजेंटेशन और बातों पर ही ले लेते हैं उनको, क्योंकि पढ़े तो नहीं है, जानते तो नहीं है, तो इसलिए हमें यही प्रयास करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ लेना नहीं चाहते, अगर 10,000 शॉपिंग के लिए खर्चा करते हैं, 100 भगवत गीता के लिए देना नहीं चाहते, यही तो हमें कन्विंस करना है, यही बोलना है, अच्छी चीज कहाँ से ले पाता है, अच्छी चीज़। आप देखिए लाडू सराय में सुबह उठना, भगवान सुबह सुबह उठ के आते हैं दर्शन देने के लिए, कहाँ अच्छी चीज़ दर्शन देने के लिए कोई आ पाता है, पैसा भी तो नहीं लगता है यहाँ पर, कार्नर के लिए सो रहे हैं, हाँ सब सो रहे हैं, इतना आसान।